I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. जंगल खतरनाक है, आतंकवाद भाग घूमे हैं। कौन हो तुम? पहले तो कभी नहीं देखा। काफी दूर से आया हूँ, महेश्वर से मिलना चाहता हूँ। ये बात है, तुम्हारे गांव में भी बाघ आ गया। आदमखोर, मेरा सब कुछ छिन गया, वो बाघ सब कुछ खा गया। आजा, ये मेरी पोती है, पानी पिला बेटा। बेटी बबीता, अब यहाँ ज्यादा देर खड़ी ना रहे, चल जा अंदर। 2 साल पहले की बात है, इस बच्ची के माँ बाप को बाघ खा गया था, लेकिन सूरज उगने से पहले महेश्वर ने अपने भाड़े से उसे खत्म कर दिया। आदमखोर बाघों का काल बन के आया है महेश्वर, उसने एक भी आदमखोर बाघ को नहीं बख्शा। और अब महेश्वर यहाँ नहीं रहता, पूरा गाँव भी उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन आखिर वो गया कहाँ पर है? ये एक बहुत लंबी कहानी है। उस दिन पहले महेश्वर के छोटे भाई मणि के दोस्त गांव आए थे, उनके मामा बलराम से मिले। क्या रे ससी, ये दोनों कौन है? मेरे दोस्त हैं, आपसे मिलने आए हैं, शहर से हैं। वैसे हम दोनों मणि के दोस्त हैं। अच्छा, अरे आओ। मेरा नाम बद्रीनाथ है, प्यार से लोग मुझे बद्री कहते हैं। और मेरा नाम है शिवा। वो आपसे कुछ काम है हमें। कोई खास काम है? अपना मणि तो कितनी दूर गया है पढ़ने, मैं तो आज तक गांव के बाहर ही नहीं गया। बलराम भैया, मणि है फोन पर। मणि मामा, कैसा है रे? तेरे दो दोस्त आए हैं यहाँ पर। मैंने उन्हें भेजा है, उन्हें आपसे एक मदद चाहिए, और सिर्फ आप ही उनकी मदद कर सकते हैं मामा जी। तो फटाफट बोल, क्या करना है? यहाँ एक देसी दवाओं की फैक्ट्री है, गिरिराज फार्मेसी। वो जो शिवा है ना, उसके पिताजी दादा गिरिराज इस फैक्ट्री के मालिक है। कैसा नाम है, दादा गिरिराज। यहाँ पर इन लोगों ने एक साइंटिस्ट की मदद से कैंसर रोकने की दवाई बनाई है। ओह, दवाई अच्छी है और असर भी करती है, मगर सारी चीजें एक साथ मिलाने के लिए इन्हें गांजा की जरूरत है। क्या, गांजा चाहिए? मामा जी धीरे बोलिए। अगर ये दवाई काम कर गई तो हर जगह बिकेगी, और फिर उस कंपनी में मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। दादा गिरिराज ने मुझे प्रॉमिस भी किया है। मणि की खुशी के लिए ये बलराम कुछ भी कर सके है। और तुम लोग नहीं जानते, मणि की खुशी में ही महेश की खुशी है, और महेश की खुशी में बलराम की खुशी है। इस घने जंगल में दवाइयों का खजाना पड़ा है, ऐसा यहाँ के मुखिया मुझे हमेशा बताते हैं। मगर गांजे से कैंसर रोकने का काम होता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं कभी इंडिया के लोगों से बिजनेस नहीं करता, रिस्क है। मेरा ज्यादातर बिजनेस सिंगापुर से होता है, फिर वहाँ से यूरोप में होता है। मेरे चेले ने कहा, इसीलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। मगर माल सिर्फ एक बार मिलेगा। हाँ, चलेगा, और उसमें भी 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। 2 हफ्ते का टाइम? अरे पत्ते तो तैयार है, बस काट कर सुखाना बाकी है। माल तुम्हें गाँव में मिल जाएगा, उसके बाद की जिम्मेदारी तुम्हारी। अरे जरा जल्दी चलो, अंधेरा होने से पहले हमें पहुँचना है। मामा, क्या हुआ? यहाँ तो पानी बहुत बढ़ गया है, अब हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। अच्छा, जल्दी चलो। क्या कर रहे हो, चलो ना। चल जाओ, आप इतनी टेंशन में क्यों मामा? जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, आजकल वहाँ एक आदमखोर बाघ घूम रहा है, अब तक 4 लोगों को मार चुका है। तुम्हें बताकर डराना नहीं चाहता था, पर अब जल्दी कदम बढ़ाओ। एक तो ये महज 2 दिन से गायब है, अगर वो साथ आता तो बात ही कुछ और थी।
मामा पीछे पीछे जरूरत नहीं, इस बाग का काल आ गया है। क्या बात है? आखिर तूने ऐसे मुंह क्यों बनाया हुआ है? गांव से खबर मिल गई मुझे। बाघ का शिकार करके आए हो ना तुम? मुझसे वादा किया था ना तुमने? चक्की। अंदर जा। आइए आइए मुखिया जी। चक्की, देखो बबीता आई है। जाके। क्या बात है मुखिया जी? कैसे आना हुआ? गांव के सभी लोगों की नींद हराम हो चुकी है। अब तक वो बाघ 4 लोगों को ले गया। तुझे आना ही होगा हमारी रक्षा करने। तेरे अलावा और कौन है? आप सब कोई चिंता मत करो, टनकपुर में वो बाघ कभी नहीं आएगा, किसी को नहीं मारेगा। ये महेश्वर का वचन है, भरोसा रखिए। परीक्षा कैसी हुई तेरी? कैसी होगी, मैं कभी फेल हुआ हूँ क्या? और तू होगा भी नहीं कभी। चल, भूख लगी होगी तुझे। बहुत भूख लगी थी तो मैंने अंडे खा लिए। कितने अंडे खाए तूने? 2 अंडे खाए। मारूंगा एक, कहता है 2 अंडे खाए। चल खाना खाते हैं साथ में, आजा गाड़ी में। अच्छा बड़ी ये बता, तेरे कुछ दोस्त भी साथ आए हैं क्या? वो दो जो ऊपर वाले गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं, उन लोगों की हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। अरे वो अच्छे हैं भैया, दादा गिरिराज के लोग हैं। मंगलपुर के बहुत बड़े आदमी हैं दादा गिरिराज। उनकी कंपनी मेडिकल में एक एक्सपेरिमेंट कर रही है। अगर एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो मेरा फ्यूचर सेट है। उन्होंने मुझे काम देने का वादा किया है। अच्छा ऐसा? हा? अगर वो तेरे काम आने वाले मड़ी तो मैं भी उनकी मदद करूंगा। ये दवा जब मार्केट में आएगी ना तो उसका पूरा का पूरा फायदा मणि को ही मिलेगा। यही होगा गिरिराज फार्मेसी का मार्केटिंग मैनेजर। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, मैं उसी के लिए तो जी रहा हूँ, नहीं तो आज क्या करना जिंदा रह के। ये आप क्या कह रहे हैं, आपका साथ मिलना चाहिए बस।
बाघ को मारना बहुत बड़ा गुनाह है, इसमें बेल भी नहीं मिल सकती। मैंने बाघ को मारा, इसका क्या सबूत है आपके पास? अरे मेरे भोले महेश्वर, रिपोर्ट कौन तैयार करेगा आर के? उसे सबूत नहीं चाहिए और ना ही किसी गवाह की जरूरत है। कोर्ट में अपनी बनाई हुई ये रिपोर्ट पेश करेगा और खुद ही विटनेस बन जाएगा। जज के लिए इतना ही काफी है। अब तो तुम गए बारह के भाव। दिवाकर साहब ठीक कह रहे हैं महेश, तू गाँव से बाहर चला जा। भैया आप सबको लेके हमारे साथ चलिए, एक बार बस यहाँ से निकल जाए तो पुलिस का कोई खतरा नहीं हो सकता। बस यहाँ से निकलना है, फिर आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, ये मेरा वादा है। भैया उस साई किधर पीछे पड़े, और गाड़ी भी गांजा है। बस किसी तरह इस जंगल को पार करना है, उसके बाद कोई खतरा नहीं, डैडी का इलाका आ जाएगा, वहां आपको कोई छू नहीं सकता, ये मेरा वादा है आपसे। महेश्वर और उसका परिवार मंगलपुर में दादा गिरिराज के पनाह में रहते हैं, और दादा गिरिराज ने महेश्वर से ये कहा कि तेरे सारे केस मैं संभाल लूंगा। अब वादा किया है तो वो निभा ही रहा होगा ना। अब तुम जाओ, हम मदद की पूरी कोशिश करेंगे। अरे सुनो, मैं तो पूछना भूल ही गया, तुम्हारा नाम क्या है ये तो बताओ। दादा, दादा गिरिराज। वाह महेश्वर, आज तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। शेर हो, बब्बर शेर हो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, आज तुम कुछ भी मांग लो। मेरे छोटे भाई मणि को कोई नौकरी दे दीजिए। तू यहाँ बैठेगा? हाँ भैया। मणि तू उस घूमने वाली कुर्सी में जाकर बैठ, मैं देखना चाहता हूँ। आशीर्वाद। अरे क्या क्या कर रहा है? ये सब आपकी वजह से हुआ भैया, मेरे लिए तो आप भगवान से कम नहीं है। अरे आओ 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 महेश्वर, तुमसे मिलना था इसलिए तुम्हारे भाई को उठाकर यहाँ पर लेकर आए। बैठो ना। देखो महेश्वर, मानता हूँ कि ये सब तुमने अपने भाई की खातिर किया, फिर मैं इसे कैसे छोड़ दूँ? हैं पानी पियोगे? मणि ने आज तक कुछ भी गलत नहीं किया, ये बहुत भोला है। चलो मान लेता हूँ कि ये बहुत भोला है, और तुम तो आजकल उस गिरिराज का दाहिना हाथ बन चुके हो, है ना? तो बस उसके बारे में क्या क्या जानते हो ये बताओ। पिछले 14 महीनों से मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूँ कुत्तों की तरह। मंगलपुर का एक छोटा सा गुंडा आज एक बहुत बड़ा डॉन बन चुका है, और गिरिराज फार्मेसी के नाम से गोरख धंधे चला रखे हैं, क्या तुम जानते हो? आयुर्वेदिक फैक्ट्री के नाम पर वो धड़ल्ले से गांजे का बिजनेस चला रहा है। बड़े बड़े इंटरनेशनल मार्केट टाइप कर रखे हैं इस गिरिजा फार्मेसी ने, और उस कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर कौन है? तुम्हारा ये होनहार भाई। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। ये दादा गिरिराज की आयुर्वेदिक फैक्ट्री में जो काला धंधा चल रहा है, इसका कोई सबूत नहीं है मेरे पास। तुम सबूत लाकर दोगे तो छूट जाओगे। Thank you.
बार पूछ रहा हूँ तुझसे, वो वीडियो तूने किसे भेजा? महेश्वर यहाँ नहीं है, पता नहीं किस बिल में छुपा है। उसे बाहर निकालने के लिए हमें कोई जाल बिछाना होगा, उसके बाद निपटेंगे। शिवा की जान की कीमत अब इस राम को चुकानी पड़ेगी। हिम्मत है तो बचा ले इसे। तेरे बेटे को मैंने नहीं मारा, वो अपनी गलती से मारा गया। पर मेरा बेटा तो गया ना, किसी अपने को खोने का दर्द तुझे भी तो होना चाहिए महेश्वर। Ha 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 ha!